नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे विनती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से हिंदू धर्म से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहती हैं। आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके हाथ में खुजली होती है तो उसके क्या संकेत होते हैं। हाथ में खुजली होने को पैसा आने का संकेत माना जाता है। वास्तव में ऐसा होता है या मात्र ये एक भ्रम है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई परिणाम तो नहीं है, लेकिन इन मान्यताओं पर आंख मूंद कर हर कोई विश्वास करता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की हथेलियों में खुजली होती है तो वो ये कहता है कि कहीं से पैसा आने वाला है। क्या ऐसा सचमुच होता है? इस बात का कोई ठोस परिणाम तो नहीं है, लेकिन ऐसी कई बातें हमारे समाज में मानी जाती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जो लक्ष्मी आगमन के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देती हैं। अगर आपके शरीर के दाहिने भाग में या सीधे हाथ में लगातार खुजली हो तो समझ लेना चाहिए कि आपको धन लाभ होने वाला है। बैंक में पैसा जमा कराते जाते समय अगर रास्ते में गायें आ जाए तो आपके धन संबंधी सभी काम पूरे हो सकते हैं। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। यदि कोई सपने में अपने सीने को खुजाता देखता है तो उसे विरासत में संपत्ति मिलती है। यदि आँख खुजाता है तो धन लाभ होता है। आँख पर खुजली होना भी पैसा मिलने का संकेत देता है। स्वप्न में सीने पर खुजली हो तो प्रत्यक्ष धन की प्राप्ति होती है। पाँव में खुजली हो तो व्यक्ति यात्रा पर जाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।